हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ एंड साउंड होंगे। सो आज है मंडे और सुबह के अराउंड 9:30 बजे हैं, तो आज मैं सोच रही थी कि व्लॉग बनाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम जो व्लॉग गया था वो पराठा रेसिपीज वाला गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं की वीडियो, सो मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना पाई। सो आज एक नए वीक की शुरुआत है, तो इसीलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो आप सबका वीक पूरा अच्छा जाए, इसी कामना के साथ ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं थोड़ी कुकिंग करने वाली हूँ, अभी अभी शावर लेकर आई हूँ, बाल भी कॉम नहीं किए, भूमि को सुलाया है, सिया खेल रही है। और आज ब्रेकफास्ट में सब लोगों ने ऑमलेट खाई, तो उसके बाद अब मैं कुकिंग करूंगी। और कुकिंग में दाल बनाने वाली हूँ और एक सूखी सब्जी। ये मैंने यहाँ पर दाल भिगो दी है, और दाल में तड़का मैं सीधे कुकर में ही मार दूंगी। ऑल्सो आई नीडेड सजेशन फ्रॉम यू ऑल कि इस वीकेंड पे पुष्पेंद्र कुछ ग्रॉसरी लेकर आए थे, तो ये केले लेकर आ गए हैं, लेकिन केले बाहर बहुत जल्दी जो है वो पक जाते हैं, इतने जल्दी खाए भी नहीं जाते हैं। और मैंने फ्रिज में रख के देखे, वो काले पड़ जाते हैं, फिर ऊपर से काले से हो जाते हैं, फिर सिया भी नहीं खाती और हम लोगों को भी खाने में इतना सही नहीं लगता। सो आई नीडेड सम सजेशंस कि इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो डेफिनेटली प्लीज़ हेल्प मी आउट कि इसको कैसे ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं कीलों को। और चलिए फिर थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं इससे पहले कि भूमि जग जाए। शुरुआत करते हैं दाल बनाने के लिए जो प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है, उसको मैं चॉप कर रही हूँ। टमाटर काफ़ी पक गया है इसलिए ढंग से चॉप नहीं हो रहा, और मैं दाल जो है कुकर में ही सीधे तड़का मार दूंगी। ऑल्सो मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ एक बोल में, उसमें मैं थोड़ा विनेगर ऐड करूँगी, और ये ग्रीन अनियन है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, तो थोड़ा ग्रीन अनियन को रफली चॉप करके इस पानी में ऐड कर दे रही हूँ, ताकि जो भी इस पे गंदगी वगैरह जम्स वगैरह हैं वो धुल जाएँ ठीक से, क्योंकि हरी सब्ज़ी है तो ज़्यादा जम्स वगैरह कोने वोने में चिपके रह जाते हैं। और अभी मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ग्रीन अनियन का एक बल्ब लेके उसको चॉप कर रही हूँ, और जो मेरी दाल है उसमें मैं इसी वाली अनियन का तड़का दूँगी, अलग से अनियन नहीं चॉप कर रही हूँ। ऑल्सो मैंने आलू निकाल लिए हैं, और जो है दाल वगैरह भिगो दी थी तो मैंने आपको बताया ही था, तो पहले दाल बना लेते हैं। कुकर में मैंने ऑयल गरम किया, उसमें हींग जीरा ऐड किया, और जब हींग जीरा भुनने लग गया तब मैं इसमें जो ग्रीन अनियन वाला एक बल्ब था वो मैंने कट किया था वो ऐड कर दूंगी, तो नॉर्मल अनियन की तरह जिसको सॉटे कर रही हूँ मैं। और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आया था एंड में। और उसके बाद मैंने टमाटो ऐड कर दिए हैं और दो ग्रीन चिली स्लिट करके ऐड कर दी हैं, और टमाटर काफ़ी जो है पका हुआ है तो जल्दी सॉफ्ट हो गया था। इसको भी थोड़ा सा मैं घुमा रही हूँ। मसालों में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला ये ऐड करूँगी, गरम मसाला एंड में थोड़ा सा डाल दूँगी, तो दाल जो है काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है तड़के के साथ। तो सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं सॉटे करते हुए मसालों के साथ, जो ये मसाला भुन रहा है इसको भून लूँगी तो थोड़ा सा ऑयल अलग होने लग जाए, तब मैं इसमें दाल और पानी वगैरह है वो ऐड करूँगी। तो मसाला भुन गया है, यहाँ पर मैंने मूंग की और मसूर की हाफ हाफ कप दोनों दाल मिक्स करके ऐड कर दी है। पानी ऐड कर दिया है हिसाब से कि मतलब कितनी दाल थिक रखनी है, पतली रखनी है, उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसमें मैं 3 विसल लगा लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ना मीडियम ना हाई, मीडियम टू हाई के बीच में वाला होता है वहाँ पे। तो जब तक दाल में सीटी आ रही है मैं ये चॉप कर लेती हूँ ग्रीन अनियन। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ग्रीन अनियन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब हम छोटे थे तब भी मम्मी बनाती थी तो मैं ग्रीन अनियन में से सिर्फ आलू आलू छांट छांट के निकाल के खा लेती थी, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ सब्ज़ी, थोड़ी सी बनाऊँगी। पहले मेरा प्लान था 2 आलू ऐड करूँ, बट सिंपली 1 आलू ऐड करके बनाऊँगी, तो पुष्पेंद्र ही खाएंगे इसे और सिया देखते हैं खाएगी कि नहीं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी, मुझे नहीं पसंद ये सब्ज़ी बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं आलू एक चॉप करके इसको पानी में डाल दिया है, थोड़ी देर दूसरा पानी लिया है मैंने, ये वो वाला पानी फेंक दिया था। और अब जैसे जैसे काम हो रहा है तो मैं यहाँ पर अपना कुछ कुछ काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे कि डिशवॉशर में रात के जो बर्तन हैं वो मैं अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। इस काम में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, एक बार डिशवॉशर अगर खाली हो तो उसके बाद तो जो भी गंदे बर्तन हैं फटाफट अंदर रख सकते हो आप, तो डिशवॉशर टाइमली खाली करना बहुत ज़रूरी है। दाल में सीटी आएगी बस उसके बाद मुझे सब्ज़ी और छौंकनी है, तो फटाफट से ये काम कर लिया जाए। Should be closer to friends if you OPN. Engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. First impression, you OPN. We should be closer to friends. और डिशवॉशर खाली हो गया, उसके बाद जो अभी गंदे बर्तन हैं वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं।
और अभी बस मेरी दाल बनी है और सब्जी दूसरी चॉप की और छोंकने वाली थी इससे पहले भूमि जग गई। आ रही हूँ। और यहाँ भूमि को भी मैं लिविंग एरिया में ले आई हूँ। सिया यहाँ ऑलरेडी खेल रही है तो भूमि भी थोड़ा बहुत खेलेगी। और आप देख सकते हो लिविंग एरिया कितना मैसी है। सिया ने इतने टॉयज़ फैला रखे हैं तो मेरे घर की मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिया ऐसी ही हालत करके रखती है। बट क्या करें, बच्चे भी तो बोर होते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए खेलने के लिए। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ किचन से। तो यहाँ पर दाल रेडी हो गई है और इसकी सीटी खुल गई है। तो इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करूँगी और फ्रेश हरा धनिया, और हमारी दाल जो है वो एकदम तैयार हो जाएगी खाने के लिए। साथ में मैं बाकी प्रिपरेशन ऑलरेडी करके गई थी, जैसे कि आलू कट करके और ग्रीन अनियन जो है वो चॉप करके गई थी। और मैं भूमि का भी फूड बनाऊँगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा दाल और राइस सोक करके गई थी एक बोल में। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। एक पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जब गर्म होगा तब मैं इसमें डालूँगी जीरा। तो मुझे पता नहीं है कि ग्रीन अनियन एक्चुअली कैसे बनाते हैं, मैं बहुत कम बनाती हूँ, हार्डली एक आध साल बाद बना रही होंगी आज। सो मैंने जीरा डाल दिया है, ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, इसको सॉटे कर लूँगी। जीरा और हरी मिर्च भुनने लगी तब मैंने यहाँ पर ग्रीन अनियंस ऐड कर दी है, इसको मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी। और ग्रीन अनियन काफ़ी हेल्दी और अच्छी सब्ज़ी है, काफ़ी विटामिन्स होते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगती बट मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उन्हें काफ़ी पसंद है। साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है मैंने सो दैट ये अच्छे से भुने, पानी लीव करे और ये जो रोस्ट होना शुरू हो थोड़ी थोड़ी। तो इसको इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सॉटे कर लूँगी थोड़ी देर। इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में वही कॉमन मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं और अब मैं इनको सॉटे करूँगी। और जब मसाले भुन जाएंगे उसके बाद मैं आलू ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मिक्स करके और इसको लिड ढक के कुक करूंगी। बीच बीच में एक दो बार चेक कर लूंगी कि सब्ज़ी कहीं लग ना जाए। और इस तरह से ग्रीन अनियंस की सब्ज़ी बहुत ही ईजिली जो है वो रेडी हो जाएगी। एंड में आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करें, मैंने नहीं किया था बट आप चाहें तो करें और अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में मैं अपनी बेबी के लिए फ़ूड बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रोकली के फ्लोरेट्स कट कर लिए हैं, आधा सा आलू है छोटा आलू आधा सा वो कट कर लिया है, साथ में दाल राइस भिगो दिए हैं। और मैंने कुकर में थोड़ा सा घी डाला है और घी गर्म होगा तब मैं उसमें हींग डालूंगी थोड़ी सी। हींग क्रैकल होने लग जाएगी तब मैं उसमें ब्रोकली ऐड कर लूँगी और इसे सॉटे करूँगी। बच्चों का खाना भी अगर हम अच्छे से सॉटे करके बनाएं तो फ्लेवर एनहेंस हो जाते हैं और बच्चे खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रोकली जो है सॉटे करने के बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने राइस और आलू वगैरह भिगो के धो के रखे थे। इन सारी चीज़ों को सॉटे करते हुए मैं इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करूँगी, जैसे कि पिंच ऑफ हल्दी पाउडर एंड पिंच ऑफ धनिया पाउडर। और ये ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट। सो 9 मंथ्स की हो गई है मेरी बेबी तो मैं उसको थोड़ा सा सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ क्योंकि तभी उसको खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं बट हाँ फ्लेवर आए इतना सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और इसको कम से कम 8 से 10 विसल लगा लूँगी। सो मैंने यहाँ पर 8 या 9 विसल लगा लिए हैं और उसकी खिचड़ी एकदम रेडी हो गई है। अब मैं हैंड मिक्सर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। मैं उसके खाने को आजकल प्यूरी नहीं करती हूँ क्योंकि वो प्यूरी ठीक से खा नहीं रही थी, तो मैंने खाना इस तरह से देना शुरू किया है उसको। तो इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ज़्यादा बेटर तरीके से खाती है इन कंपैरिजन टू प्यूरी। सो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी कुकिंग की है और मेरा काफ़ी जो कुकिंग का काम है हो गया, बस मुझे राइस बनाने हैं। और आप ये देखिए बाहर ना एक पार्सल रखा हुआ है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया था और ये बाहर ही रखा हुआ है और अब इसको खोलने जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉम्ब डिस्पोज करना है। तो अब मैं इसको शायद आज या कल मैं खोलूँगी, 2-3 दिन से रखा हुआ है ये। फिर मैं आपको दिखाऊँगी, इसमें मैंने कुछ स्किन केयर से रिलेटेड मंगवाया है। सो अर्ली मॉर्निंग मैं लॉन्ड्री भी की थी आज, तो यहाँ पर कपड़े रखे हैं फोल्ड करके, वो मुझे अंदर सेट करने हैं। और सिया ने यहाँ पर खेलने के बाद इस तरह से कर दिया है तो इसको भी उठा के रखेंगे। और बाहर मेरा जो अमेज़ॉन से पार्सल आया वो ऐसे रखा हुआ है, अगर ये सब कोरोना वायरस नहीं फैला हुआ होता तो वो पार्सल कब का खुल चुका होता। यहाँ पर मैंने सिया के लिए एक बनाना कट कर दिया है और उस पर थोड़ा हनी डाल दिया है, उसे इस तरह से खाना पसंद है। ऑल्सो एक बनाना मैं खा लूँगी और एक मैं पुष्पेंद्र को भी दे आई हूँ और अपने साथ मैं भूमि को भी थोड़ा सा मैश करके चटाती हूँ। सो सिया का एक बनाना कंप्लीट हो गया, अब वो हाफ ऑफ और मांग रही है तो मैं उसके लिए हाफ और कट करके दे देती हूँ। Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up.
और आज वेदर काफ़ी अच्छा है तो मैं बाहर ही आ गई हूँ बाल कॉम करने के लिए। और यहाँ पे ये रात को मैंने कैंडल्स जलाए थे संडे को, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि सब लोग 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाएं, तो मैंने तो 1-2 घंटे के लिए जला दिए थे। और अब मैं बाहर आके जो स्टैंड है कपड़े सुखाने वाला ये रख रही हूँ। तो मैं यहाँ कैमरा सेट करके आई थी और सिया ने बाद में उसको इधर उधर घुमा दिया, कभी जूम कभी एंगल अलग कर दिया। तो ये वीडियो पूरी सिया ने रिकॉर्ड की है, कभी स्टॉप की कभी रिकॉर्ड की, और मुझे बाद में पता चला जब मैंने वीडियो देखी तो। बट वो क्रिएटिविटी करती रहती है, कभी वुडन इनको रिकॉर्ड कर रही थी। ये लो, और भूमि को मैंने लंच करा दिया है, उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, मुंह हाथ धो दिए हैं, बाल कॉम कर दिए हैं और डायपर वगैरह चेंज कर दिया है। तो बच्चों को ऐसे फ्रेश देख के खुद को भी इतना अच्छा लगता है, बच्चों का टमी फिल हो, बच्चे ड्राई हो, डायपर चेंज्ड हो, कपड़े चेंज्ड हो, तो वो खुद फ्रेश फील करते हैं और उतना ही उनकी मदर को भी फ्रेश फील होता है। तो आई होप आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा। सो हमारा लंच भी रेडी हो गया है। दाल मैंने फिर से गरम कर ली है और ये मैंने हरा धनिया धो के और इसको चॉप कर लूँगी मैं। और मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में शायद शेयर किया था कि मैंने हरा धनिया ऐसे स्टोर किया है, तो उसमें से आधा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बीच में मैंने टावल, जो पेपर टावल है वो चेंज किया था और जो पत्तियाँ ख़राब हो गई थी वो निकाली थी। और आप देख सकते हो अभी भी हरा धनिया कितना फ्रेश है। तो आप इमरजेंसी में इस तरह से सेफ़ रखें अपना हरा धनिया, अगर आपको भी मेरी तरह फ्रेश हरा धनिया अपनी रेसिपीज़ में ऐड करना पसंद है तो। और भूमि का मैंने फूड थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था तो मैंने इसमें डब्बे में डाल लिया है, ये उसके डिनर के लिए हो जाएगा। और इस तरह से मैं एक बार में 2 बार का एटलीस्ट फूड बना लेती हूँ। सो लंच मैंने बना दिया है और अराउंड 12 बज गए हैं, और भूमि के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, इसको भी लंच करा दिया है और अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर मैं बच्चों को सुलाऊंगी। तो भूमि आफ्टरनून में थोड़ा लंबा नैप लेती है तो उस टाइम पे देखूंगी, फिर कुछ एडिटिंग वगैरह करूंगी शायद, देखती हूँ। और US में जो कमिंग कुछ वीक्स हैं ये काफ़ी क्रुशल होने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ेंगी एज पर जो सारे एक्सपर्ट्स वगैरह बोल रहे हैं। सो आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, इनफैक्ट आप वर्ल्ड के जिस भी कोने में हैं प्लीज़ सेफ रहें एंड टेक केयर, ज़्यादा बाहर ना जाएं। जो भी आपकी इम्पोर्टेंट ग्रोसरी है वो ऑलरेडी आपने आई एम श्योर ले ली होगी, सो अवॉइड करें बाहर जाना और इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ रहें, सेफ रहें। सो बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।